हेलो गाइस, आज हम वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और सिर्फ एक पेज में ही सारा वॉइस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये मान के चल रही हूँ टेंस तो आप लोगों को आता ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट वॉइस स्टार्ट कर दिया। अब वॉइस दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हमें पता है जब कोई काम किया जाता है डायरेक्टली, एक्टिव वॉइस, और किसी चीज़ के ऊपर कोई काम होता है तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, पैसिव वॉइस में क्या एक्शन हो रहा है और किसके ऊपर एक्शन हो रहा है उस पर फोकस किया जाता है। सिंपल से बात है, डायरेक्ट एग्जांपल पे जंप करते हैं। राम किल्ड रावण, ये बचपन से पढ़ा है हम लोगों ने, स्कूल में ही पहला ही एग्जाम्पल पढ़ते होंगे आप, राम किल्ड रावण। तो रावण वॉज किल्ड बाय राम। टेंस लिखने की जरूरत थी ही नहीं इसमें, हमें क्लियरली दिख रहा है पास में एक्शन हुआ है तो वॉज लगाया, वॉज के बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, वॉज किल्ड किसके द्वारा, बाय राम, रावण वॉज किल्ड बाय राम, ठीक है। क्योंकि हम लोग बैंकिंग का जो अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें होती हैं तो वॉइस का ये शॉर्ट नोट्स मिलेगा आपको, ओके। तो राम किल्ड रावण, रावण वॉज किल्ड बाय राम, ठीक है। नेक्स्ट है रीना सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाय रीना, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट है इसलिए, इसके बाद V3। रोहन रीड्स अ नॉवल इज रेड बाय रोहन, ये रीड रेड 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 प्रोनाउंस करते हैं इसको। ही कंपोजेज अ सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय हिम, ठीक है। शी प्लेज टेनिस, टेनिस इज प्लेड बाय हर, ठीक। आप लोग बस ध्यान दीजिए कि किस टेंस में बात हो रही है, शी प्लेज टेनिस सिंपल प्रेजेंट है तो टेनिस इज प्लेड बाय हर। आई एम ईटिंग डिनर, ये कंटिन्यूस, द डिनर इज बींग ईटन बाय मी, इस के बाद बींग लगा है और ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा और कंटिन्यूस है इसलिए बींग लगता है, इज बींग ईटन बाय मी। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, पास कंटिन्यूस है, द होमवर्क वॉज, पास की बात हो रही है, बींग लगता है कंटिन्यूस में, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मी। दे प्लांट फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं प्रोनाउंस करते इसे, फ्लावर्स से प्रोनाउंस करते हैं, दे प्लांट फ्लावर्स, फ्लावर्स आर प्लांटेड बाय देम, ओके। आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही ट्रेन्स मी, आई एम ट्रेन बाय हिम, सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पे आई के बाद एम ही लगता है, आई एम ट्रेन बाय हिम। अब एक चार्ट बना दिया मैंने, प्रेजेंट सिंपल, आई मेक अ केक इज मेड बाय मी, अब अंडरस्टूड है इसलिए बाय मी लगाना जरूरत नहीं पड़ता है हर बार, आई मेक अ केक इज मेड, बाय मी नहीं लगाया क्योंकि अंडरस्टूड है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम मेकिंग अ केक इज बीइंग मेड, पास सिंपल, आई मेड अ केक वॉज मेड, आप बस इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, है ना, पास सिंपल कर लिया, पास कंटिन्यूस, आई वॉज मेकिंग अ केक वॉज बीइंग मेड, टेंस आपको क्लियर होता जा रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव मेड अ केक, केक सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा है, अ केक हैज़ बीन मेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही, हैज़ भी लगेगा और परफेक्ट है इसलिए बीन लगा है। पास्ट परफेक्ट में आई हैड मेड अ केक हैड बीन मेड, ठीक है। फ्यूचर सिंपल, आई विल मेक अ केक विल बी मेड, विल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, फ्यूचर इसलिए बी लगा है, विल बी मेड। अब नेक्स्ट है हु को रिप्लेस करेंगे बाय होम से, अगर आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं हु रिप्लेस होगा बाय होम से। हु टॉट यू दिस पोएम, तो हु की जगह पे बाय होम लगाया हम लोगों ने, बाय होम वर यू टॉट दिस पोएम, सिंपल है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, स्वीट्स आर लाइक बाय चिल्ड्रन, ठीक है, डिफरेंट नहीं था ये कुछ भी, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, एक कॉपी लीजिए, शॉर्ट नोट्स वॉइस का बना लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।